नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। फिर लाऊं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने एक दिशा निर्देश जारी किए कि अब राज्य में कोई भी मंत्री या बड़ा अधिकारी किसी भी महिला को मीटिंग में अकेले नहीं बुला सकता, उसके साथ एक महिला होना बहुत जरूरी है। महिला आयोग ने अब सेक्सुअल हैरेसमेंट का दायरा भी थोड़ा बढ़ा दिया। नए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई किसी महिला के शरीर या कपड़ों को लेके भद्दी कमेंट करता है, भद्दे जोक्स, फोटो या वीडियो उस महिला के मोबाइल पे शेयर करता है, तो उसे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। आयोग को यह इसलिए करना पड़ा कि हाल ही में पंजाब के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा एक महिला आईएएस अधिकारी को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बार बार तंग किया जा रहा था। यह मामला गर्माने के बाद महिला आयोग ने यह दिशा निर्देश लिए। खबर के पीछे की खबर यह है, महिला आयोग के इस सर्कुलर के साथ ही पूरे पंजाब के मंत्री और अधिकारियों का कैरेक्टर रस्ते पे आ गया। क्या पंजाब में एक भी अधिकारी या मंत्री ऐसा नहीं जिसके साथ अकेले में बात करने में महिला अपने आप को सुरक्षित समझे? यदि महिला कर्मचारी और महिला वरिष्ठ अधिकारियों का यह हाल है, तो पूरे पंजाब में बाकी महिला कितनी सुरक्षित होगी, यह आप समझ सकते हैं। क्या पंजाब की जनता के लिए शर्मनाक नहीं कि उन्होंने ऐसे लोगों को चुन के भेजा जो मंत्री बनने के बाद महिला अधिकारी को सुरक्षा तक नहीं दे सकते? और क्या पंजाब के सारे ऑफिशियल्स इतने कैरेक्टर के ढीले हो गए कि अब एक नहीं, उस महिला के साथ जब तक कोई और महिला नहीं होती, वह उनसे बात भी नहीं कर पाएंगे? यह खबर के पीछे की खबर। देखते रहिए धोबी घाट।